अभी तो हम खाना बना रहे हैं और वीडियो में बने रहिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। स्क्रिप्ट ये मतलब पूरा देखे बिना मत जाइएगा, स्क्रिप्ट मत करना, लाइक कर देना और प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए पूरा वीडियो देखने पर, शेयर कर दीजिएगा, बस इतना काम कर दीजिएगा। इतनी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके अपना मतलब प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे हम अच्छा लगता है हमको और क्या बोलते हैं मनोबल बढ़ता है अच्छे से वीडियो लाने के लिए। आपके आप भी बता भी सकते हैं हम कैसा आपके लिए वीडियो लाएं। बहुत मेहनत करके बहुत दिनों में वीडियो लाते हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता, आप लोग को पता है, जैसे कि मैं जॉब करती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम निकाल के थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज जैसे कि आप सब जानते हैं मकर संक्रांति है, तो पूजा तो वैसे भी डेली मैं करती हूँ, मतलब सभी लोग करते हैं फिलहाल, तो डेली की मंदिर से शुरुआत, सारा काम हो चुका है, नहा चुकी हूँ, मतलब नहा के ही पूजा करी जाती है और यहाँ सूरज देवता को भी जल अर्पित कर देते हैं और कोहरा भी बहुत तेज है और यहाँ पर ना तुलसी जी को भी ना तुलसी माता को भी हम जल अर्पित कर देते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे दान, मतलब दान का जो नहीं जो दान दिया जाता है निकाला जाता है खिचड़ी, आप लोग भी निकालते हो गए, तो दक्षिणा रख दी है कुछ और उड़द की दाल और चावल और मिर्चा और ये नमक और ये पापड़, अभी ना इसको हम एक पन्नी में करके रख देंगे और पापड़ भी रख देंगे और नमक जो पुड़िया में बांध दिया है और ये ना किसी पंडित जी को मंदिर में भेज देंगे, मंदिर में नहीं होते हैं तो ये वैसे दे आए हैं ये आप, मैं तो पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर हम बना रहे खिचड़ी, उड़द और चावल पानी डाल दिया है इसको छौंक के नहीं ऐसे ही, और हींग डाली मैंने इसमें, आज के दिन ऐसे ही बनती है हमारे यहाँ, और इसमें डाल दिए टमाटर ऐसे काटे हुए, मिर्च डाल दी है हरी मिर्च और आज की खिचड़ी की कुछ बात ही, और थोड़ा सा ये डाल दिया हमने प्याज कटे हुए, ये देखिए प्याज के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर थोड़ी सी और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन कटे हुए और इसको इसमें अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें कुछ भी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर कुछ भी नहीं पड़ेगा और यहाँ पे हम बना लेते हैं रायता, क्योंकि रायता ना आपको बता दें मैंने ना कोई दही बड़े बड़े नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चों की जुखाम सर्दी भी और थोड़ा सा दही बड़ा तो रखा ही रहेगा फिर खाएंगे ही सब, तो मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था, तो रायते में अपना बूंदी डाल दी और लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च ज़्यादा कड़वा नहीं है और ये नमक डाल दिया, धनिया डाल दिया और इसको मिक्स करके इसको रख देंगे फूलने के लिए ताकि हमारा रायता फटाक से तैयार हो जाएगा जब हम खिचड़ी खाएंगे ना तब। तो चलिए यही बनाया, तो मैंने वैसे तो हर बार मैं बनाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, मिर्च बना लेती हूँ और यहाँ सिल की पीसी हुई चटनी, चटनी मैंने पीस ली थी और जब कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो चटनी पीसते तो कई बार दिखाया, और यहाँ पर खिचड़ी तो हमारी बन के रेडी हो गई है, उसका तड़का मैं तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पर लहसुन है, प्याज है और हरा मिर्च है और टमाटर है, जीरा है और हींग है, सारा चीज़ डाल के इसको तड़का लिया है और लाल मिर्च सूखी वाली ऊपर से तड़का लगाएंगे, मतलब ऐसे छौंक के नहीं डाला था, ऊपर से तड़का लगाने के लिए ये
डाल दिया, सारी चीज़ें इसमें डाल दी, हींग भी डाल दी। और अब ना इसको हम खिचड़ी में तड़का लगा देंगे। और खिचड़ी भी भाई क्या बताए, लाइफ में पहली बार, मतलब हम यहाँ जब से आए तो देसी तरीके से शुद्धता से, जैसे कि ना चूल्हे में बननी चाहिए खिचड़ी, तो वैसे चूल्हे पे ही बनी हमारी ये खिचड़ी। और ये देखिए खिचड़ी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है। आप लोग भी जानते होंगे आज के दिन खिचड़ी का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। सब ने खिचड़ी बहुत शौक से खाई थी, तो पहली खिचड़ी तो हमारी जो दान पर निकाली पंडित जी को दे दी। और ये खिचड़ी यहाँ पर खिचड़ी निकालने के बाद मैंने इस पर देसी घी डाला, गरम गरम खिचड़ी एक चम्मच देसी घी, और साथ में दही बड़ा या रायता मिल जाए तो क्या बात है, या दही मिल जाए, और चटनी है, पापड़ है। आ जाइए और हैप्पी मकर संक्रांति, आप भी खिचड़ी खाइए, ये सब आपके लिए। अब चलते हैं, एक काम और करते हैं, क्योंकि हमारे बगल में, मतलब हमारी जो पड़ोसन है ना, उनकी छोटी सी बेटी है, हैं, और इसका नाम मान्या है, तो इसको हम खिचड़ी खिला देते हैं। और खिचड़ी दे भी देंगे, वो खा लेगी, जितना खाएगी खाएगी, नहीं तो घर दे देंगे। और उसको अपने हाथ से खिला दिया, उसे कहा आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद भी दे रही थी तो हमने आशीर्वाद दे तो पैर छू लिया और दक्षिणा भी दे दी, क्योंकि कन्या को खिलाना अच्छा होता है ना। तो वैसे बिटिया तो पुरानी हो या नहीं हो, खिचड़ी खाने मायके, खिचड़ी ना मायके की होती है, लेकिन आजकल नहीं कोई जा पाता है, तो मेरे यहाँ भी हम कोई नहीं आ पाया, और मैं भी कहीं नहीं जा पाई, तो इसीलिए मैंने उसको खिला दिए। बिटिया कोई भी हो, खिचड़ी तो बिटियों को खिलानी चाहिए, उनका हक बनता है। यहाँ पापा को दे दिया है, पापा खा रहे हैं और अच्छा लगता है। और 14 तारीख को हमने क्यों मनाई, क्योंकि सब परिवार एक साथ था, तो अच्छा लगता है कि हाँ त्यौहार तो सबके साथ में ही ना, अपना परिवार सब में बैठे, और सब बैठे यहाँ, मैंने कमरे पकड़ के रखा है। अब इन सब की बारी है खाना खाने की, मतलब खिचड़ी देखिए, और बहुत टेस्टी लगी। पहली बार, मतलब पहली बार शायद हमें लग रहा है ये भी साथ में खिचड़ी नहीं, तो इन्होंने कभी खिचड़ी का त्यौहार ऐसे नहीं मनाया, मतलब खिचड़ी घर की खाई नहीं कभी, पक्का खाना खाया, खिचड़ी नहीं खाई है। अभी आज इन्हें खाया, ये ना पीछे कपड़े रखे हैं, आधे सूखे आधे गीले हैं, तो सब धुल के मैंने रखे थे, मंदिर के भी मैंने भगवान के वस्त्र धोए थे, थोड़े सूख गए तो सो पहना दिए थे, बाकी कुर्सी पे रखे थे। और यहाँ पर ये देखिए ये लोग खा रहे हैं, और इन्होंने बहुत दिन बाद खाया, और इन्होंने मुझे भी खिलाया एक चम्मच। यहाँ मैं पीछी हूँ, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है, बहुत अच्छी सी, मतलब दनक लग रही है, आग भी जल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था खाने में। आज का खिचड़ी बहुत अच्छी, और ये खिचड़ी खाते खाते ये भी बड़ी आवाज़ लगा रही थी हमारी क्यूटी, उसको भी खिचड़ी चाहिए थी, तो फिर उसको भी चम्मच से खिचड़ी खिलाई, बड़े शौक से। आप देखिए कितने शौक से खा रही है हमारी क्यूटी खिचड़ी खा रही, बहुत शौक से, उसे इतनी अच्छी लग रही थी, हम आपको क्या बताया। मुझे खिलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो अपने हाथ से, और मिट्ठू भी हमारे मांग रहे हैं कि इनको खिला रहे, तो मुझे भी चाहिए, तो मिट्ठू को भी खिलाएंगे। ये तो खुली बाहर बैठी हुई हैं, पिंजरा खोल दिया तो खिचड़ी खाने के लिए ये बाहर आई थी, और मेरे चम्मच में ही उसको खानी थी, मेरे साथ खानी थी, मतलब मुझसे ही मांगती है, उसको कुछ खाना होता ना तो मेरे से ही मांगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने शौक से खा रही है, और सब ने आज मकर संक्रांति खूब इंजॉय करी। और यहाँ मंगू भी खड़े हो रहे बार बार कि मुझे भी अभी कुछ खिलाओ, तो मंगू को भी दी और क्यूटू को भी दी, क्यूटी और क्यूटू को दोनों को दी। ये देखिए, मतलब इनका नाम क्यूटी है और हमारे मिट्ठू का नाम है क्यूटू, तो दोनों का नाम आपने सुन लिया। और ये तो मंगू है, खरगोश का नाम मंगू है। ये देखिए मंगू को, मंगू सोच रहा है ये क्या खा रही, अभी उसको पेट नहीं भरा है, उसने 2-3 चम्मच खिचड़ी खाई बहुत अच्छे से, थूक भी नहीं रहा था। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारा मंगू पत्तों पर बैठा हुआ है और खिचड़ी खा रहा है, उसको हरा भरा खाने का मन नहीं है, उसको खिचड़ी खानी है, और वो भी बहुत शौक से खा रहा खिचड़ी। देखिए सबको मैंने चम्मच से खिलाया, सबको खिलाया चम्मच से। ये देखिए अब मिट्ठू को दे दिया, मिट्ठू ना हाथ से नहीं खाता, उसको वो डरता बहुत है, सोता है मुझे कोई पकड़ ना ले, तो इसलिए। तो आप देखिए यहाँ पर मिट्ठू ना अपना वो भी खिचड़ी खा रहा, लेकिन मिट्ठू को ज़्यादा खास पसंद नहीं आई, पसंद की बात है, हमारी क्यूटी को तो बहुत पसंद आई, क्यूटू को बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो पसंद आई, थोड़ी बहुत खाई है उसने, लेकिन इतनी शौक से नहीं खाई जितनी उसने शौक से खाई थी ना, उतनी शौक से नहीं खाई है। और अभी हम मिलेंगे आपको शाम को, मतलब रात के खाने में,
और रात में हम खाने में हमारे यहाँ क्या बनता है खिचड़ी में, वो भी आपको बताएंगे। रात में तो वैसे पक्का खाना बनता है, जो मन वो बना लीजिए, सो कोई दिक्कत नहीं। और इनको देखिए, इनको मस्त सोने में लगे, धूप में इनको निकाल के रख दिया तो मस्त आँख बंद करके कपड़े के अंदर घुस के सो रहे। ये देखिए चिंटू को, हाँ चिंटू मज़े ले रहा है धूप के, ये आनंद में सो ही रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो बस पता है जब उसको कपड़े में रख दो तो सो जाता। और यहाँ हमारे यहाँ शाम को मोर आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बैठे थे ना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ मोर तो बहुत आते हैं, सुबह भी आते शाम भी आते, खूब सारे मोर, अगर मना ना करो तो खूब सारे आ जाएंगे। और ये कभी भी आते, लेकिन हम लोग पास में जाते उड़ जाते, तो मैंने थोड़ा जूम करके बनाया। बहुत मतलब शहर है, लेकिन एक अच्छी वाली फीलिंग आती, बहुत अच्छा है जो यहाँ पे हम रहते हैं ना एरिया भाई, बहुत अच्छा है। यहाँ मोर देखने को मिलेंगे आपको, तोते देखने को मिलेंगे, मतलब हर चिड़िया, हर तरह के पंछी, चिड़िया देखे उसके बगल में कोई चिड़िया है ना बहुत अजीब सी, हर तरह की चिड़िया देखने को, मतलब नेचर से बहुत प्यारा, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। देखने को कहाँ मिलता है आजकल, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है, शहर है, शहर के हिसाब से ये सब अगर मिल जाए तो क्या बढ़िया, मज़ा ही आ जाएगी ना। तो खाना तो बन भी रहा है साथ में, खाना बन भी चुका है, तो आप लोग आइए खा लीजिए। यहाँ आलू की कचौड़ी है, पूड़ी है, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी है, और मैं बना भी रही हूँ आप लोगों को। मेरा बुरा मत मानिएगा, मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, और आप लोग खा लीजिए। शाम का भी हो गया है, रात हो गई है, तो यहाँ पर आप लोग भी, यहाँ मैंने शाम को भी हमारे यहाँ खाना बन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बनाया गोभी आलू मटर की सब्जी, तो सब्जी बन चुकी है। और यहाँ पूरी तैयार आलू की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और पूड़िया, और ये आलू का बस बताने बनाते हुए नहीं दिखा रहा है आपको, क्योंकि ये सब शेयर कर चुके हैं आपके साथ। अभी पूड़ी बनानी है और हम दोनों मिल के बना रहे हैं। और आज हम लोगों ने क्यों खिचड़ी मतलब मनाई, क्यों मनाई बता दो थोड़ा सा, क्योंकि आज सब लोग घर में थे, संडे था, और आज ही 14 तारीख, वैसे मुझे तो यही लगता 14 तारीख को ही मकर संक्रांति होनी चाहिए थी, जैसे ना दो दो दिन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो आज ही मनाई। और आज संडे था, छुट्टी भी थी, और बाकी जैसे कि बिहार में तिल गुड़ कहा जाता है, वहाँ पर चूड़ा और दही खाना इम्पोर्टेंट होता है, चूड़ा दही खाया जाता है, तो है ना, चूड़ा दही चलता है। मैंने कहीं कहीं का अपना अपना पतंग उड़ाना, पतंग तो नहीं उड़ाई थी, पतंग तो बहुत बड़े अभी क्या बोलूँ। तो वीडियो आपको अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आया हो तो क्या करना बोलो जरा सा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। और ये लोग खड़े हैं, अभी रात हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये यही रहता है, सोता रहता है, ये भी खिचड़ी इचड़ी खा के। और आपने तो खिचड़ी खाई, आपने क्या बनाया शाम को खिचड़ी, और क्या क्या बनाया सब जरूर बताना, ठीक है। और हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी आइए हमारे साथ खिचड़ी का त्यौहार इंजॉय करिए। और ये कचौड़ी, और ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये अंगीठी जलती है ना, तो इसके ये आग जलती है, तो इसके पास आसपास सब बैठते हैं और सब मिलजुल के ही करते हैं, तो अच्छा लगता है ना, जैसे कि आप जानते। और ये बाबरे कितना बड़ा जूम हो गया, वीडियो क्या करना है बोलो, नमस्ते कर दो, हैप्पी वो बोल दो ना, हैप्पी मकर संक्रांति, सब लोग बोलो हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको हमारे तरफ से। और पीयूष, आयुष को, पीयूष को दोनों को जुखाम हो रखा है, और पापा तैयार हो रहे हैं ठंडी की वजह से, खूब पहन ओढ़ रहे हैं क्योंकि ठंड हो गई, 6:30 बज रहा है, लेकिन ठंड है इस समय, टाइमिंग तो आपको बता दी। और सब कर दीजिएगा, बताओ हमारे चैनल पे नया नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। करो गाइस, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, आपको ही तो करना है सब कुछ, हमारी लाइफ में चमत्कार करिए, चमत्कार, ठीक है ना, तो आप ही कर सकते हैं, एक शेर से आपका चमक में हमारे जिंदगी में रोशनी आ सकती है। और आपको तो बाकी तो क्या बताएं, बहुत सारे सपने हैं जो आप पूरा कर सकते हैं, मेहनत तो हम करेंगे लेकिन पूरा करने में आपका साथ रहेगा, सहयोग दीजिए जरा, हमारे भी सपने पूरे हो जाए, थोड़े बहुत, बहुत बड़े सपने नहीं है, बस छोटा सा सपना है, बस करिए ना प्लीज मेहनत हम भी कर रहे हैं, बस आपको छोटी सी मेहनत करनी है, नीले व्हाइट बटन को नीला कर देना है, और ब्लैक बटन को क्या करना है, रेड कर दे,
वाइट करना है, सब्सक्राइब वाइट हो गया है, वाइट कर दीजिएगा, जो पहले रेड होता था वाइट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो यहीं पे खत्म कर देंगे, जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखो, ओके फैमिली लव यू बाय बाय और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी होली, हैप्पी होली कह रहे हैं और लोरी सॉरी सॉरी गाइस, जानते हैं आप आपकी प्रीति कैसी पागल है, अजीब अजीब बोल देती है, तो मेरी कुछ भी बातों का ना मिस्टेक जो है ना माफ करिएगा, सॉरी क्योंकि मैं मिस्टेक करती हूँ, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है। बाय 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 करा।